भाई और बहनों, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का आज 12th कमांडमेंट है, जो लास्ट वीक भी यही था, वो पार्ट वन था, आज पार्ट टू है। और ये है, सी बियॉन्ड द फाइव पिलर्स, पांच सुतूनों के आगे भी देखिए। मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आज के कमांडमेंट को सुनने से पहले अगर किसी ने पार्ट वन नहीं सुना है तो आज का कमांडमेंट के बारे में उसकी जो भी राय होगी वो एक टोटली बायस्ड राय होगी, वो राय मुनासिब नहीं होगी। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये कमांडमेंट सुनना चाहते हैं तो पहले पार्ट वन सुनिए, ये पार्ट टू है। दोस्तों, पिछली मर्तबा हमने एक एनालिसिस पेश की थी कि कौमों का डाउनफॉल कैसे होता है, किस तरह स्पेन ख़त्म हुआ, बर्मा ख़त्म हुआ, रशिया, चाइना, तुर्की, ये जितने मुस्लिम इलाके थे ये पूरे ख़त्म हो गए, अफ्रीका से कैसे इस्लाम और मुसलमान हुकूमतें ये पूरे के पूरे ख़त्म हो गई। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान डिकेड बाई डिकेड, सेंचुरी बाई सेंचुरी कितनी तेज़ी से डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। वक्ती तौर पर आपको ऐसे महसूस नहीं होता, लेकिन जब आपकी नस्लें तारीख पढ़ेंगी या आज हम अपने बाप दादा की तारीख पढ़ते हैं तो बात हमारे समझ में आती है कि डाउनफॉल का प्रोसेस क्या होता है। फिर हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा कि फलां चीज़ यहूदियों की साजिश की वजह से हुई, फलां चीज़ आरएसएस की साजिश थी, और फलां बात नसरानियों क्रिश्चनों की अमेरिका की साजिश की वजह से हुई। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती हैं, यकीनन इन कॉन्स्पिरेसी की वजह से हमारे बस्तियां, हमारे मुल्क, हमारे शहर तबाह बर्बाद होते हैं, हमारी इकनॉमी तबाह बर्बाद होती है। लेकिन एक चीज़ जिसको कोई तबाह नहीं कर सकता सिवाय जब तक कि इंसान ख़ुद फैसला ना कर ले तबाह करने की, वो है कुव्वत फ़िक्र व अमल, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ टेकिंग एक्शन, पावर ऑफ इंटेलेक्ट। शायर क्या खूब बात कहता है कि कुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, परिश होती है। कुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। जवाल मीन्स एब, डाउनफॉल। शौकत मीन्स शान, डिग्निटी, पावर, दबदबा। कुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फना होती है। आदमी के सोचने समझने की आँख रखता है लेकिन नज़र नहीं आता, कान रखता है लेकिन सुनता नहीं, दिमाग है लेकिन सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो पहले ये चीज़ होती है कि कुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। और ये जो जवाल आया है, ऐसा नहीं कि इंसान का कुव्वत फ़िक्र व अमल ख़त्म हो जाती है, आदमी के मरने तक ये ख़त्म नहीं होती। होता क्या है कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसके सोचने का धारा बदल जाता है, उसके प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और वो भी फौरी ज़ाहिर नहीं होता, ज़ाहिर होते होते भी डिकेड्स लगते हैं। तब जाके पता चलता है कि ये कोई कारोबार नहीं है कि एक आध साल के अंदर डाउनफॉल हो जाएगा, इसका नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। ये डाउनफॉल होते होते भी डिकेड्स लगते हैं, उसके बाद एहसास होता है कि जैसे शायर ने कहा था कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। आज हम सोचते हैं कि निज़ाम ने ये गलती की थी, औरंगज़ेब ने ये गलती की थी, फलां जगह ये गलती हुई थी, ये लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। और इसी को काबिल अजमेरी ने जो कहा था पिछली मरतबा भी मैंने बताया कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो दोस्तों, ये सारी की सारी एनालिसिस हम पिछली मरतबा आपके सामने पेश कर चुके हैं। आज का 12वां जो कमांडमेंट है, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों, सी बियॉन्ड द फाइव पिलर्स, हमको अब यही देखना है कि वो जो कुव्वत फ़िक्र व अमल का धारा कैसे चेंज हुआ, कैसे बदल गया, कहाँ जाके ख़त्म होगा, क्या कोई रिनाइसेंस का या कोई उरूज की तरफ दोबारा रिटर्न का कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है। आइए हम लोग इसी के ऊपर गौर करते हैं। ये जो इंडिकेशंस है, इसलिए मुसलमानों के रिनाइसेंस का, निशात सानिया का दूर दूर तक हमें कोई चांस नज़र नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्कुल सरेंडर कर दें। हमको हुकूमत के लिए नहीं, अपनी आखिरत बचाने के लिए जुल्म के खिलाफ उठना, इंसाफ के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपनी जान देने के लिए तैयार रहना, अपने घर के एक एक बेटे और एक एक नौजवान को अल्लाह के रास्ते में अपनी जान देने की तरकीब देना, ये ही हो सकता है। एक हथियार अब भी बाकी है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, दौलत नहीं है, हथियार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक ज़रिया, एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ इनाम बाकी है, वो है सही किताबुल्लाह और किताबुस्सुन्ना। अपनी आखिरत को बचाने के लिए इससे बड़ा मौसर इफ़ेक्टिव वेपन और कोई नहीं है।
लेकिन मसला यह है कि ये किताबुल्लाह और किताबु सुन्ना ही सबसे बड़ा इशू है आज के दौर का, क्योंकि वो जो 73वां फ़िरका जो कामयाब होगा और हक़ पर होगा, वो 73वां फ़िरका होगा। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान में जितने फ़िरक़े हैं वो सारे 73वें यानी 73rd वाले फ़िरक़े हैं पूरे के पूरे। मुझे एक लतीफ़ा बयान करने की इजाज़त दीजिए, आप पूरी बात समझ जाएंगे कि किसी मुकाम पे लोग नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग पहुँचे और उन्होंने बहुत मोहब्बत से लोगों को समझाया, लोग नमाज की तरफ आने लगे और वो बुज़ुर्ग को बहुत चाहते थे। तो उन चाहने वालों में एक बिल्ली भी थी, जो बुज़ुर्ग जब भी नमाज़ पढ़ते वो बिल्ली कभी उनके पीठ पे बढ़ जाती, कभी गोद में बढ़ जाती, वो बुज़ुर्ग के साथ खेलती रहती पूरी नमाज में। तो एक दिन बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया, नए इमाम को लाया गया, तो जब वो नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि यार बिल्ली तो है नहीं, अब नमाज़ कैसे होगी। तो एक बिल्ली को पकड़ के लाए, लेकिन वो भाग जाती थी, वो टिकती नहीं थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको एक पिंजरे में रख के सामने रख देंगे बिल्ली को। तो कुछ समझदार लोग जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, आपकी तरह के कुछ लोगों ने कहा कि भाई नमाज से बिल्ली का क्या ताल्लुक़ है और बिल्ली का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। तो जो लोग बुज़ुर्गों को बुज़ुर्गों की इज्जत करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि ये बागी लोग हैं, ये हमारे सलफ़ के मनहज को नहीं समझते, हमारे औलिया अल्लाह को नहीं समझते, ये बुज़ुर्गों की इनके दिल में कोई इज्जत नहीं है, इनको लात मार के बाहर निकालो मस्जिद से। उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। तो इधर कुछ जज्बाती लोग जो बुज़ुर्गों के हर तरीके से बड़ी मोहब्बत रखते थे, उन्होंने कहा कि ये जो लोहे का या जो भी आयरन का पिंजरा है, बजाय इसके हम सोने का पिंजरा, हम अपनी जेब से खर्च करेंगे और सोने का पिंजरा बना देंगे। तो कहने का मतलब ये है, आज किताबुल्लाह किताबु सुन्ना पर ही सारे फ़िरक़े खड़े हैं, लेकिन इतने बिल्लियाँ पाल लिए हैं, इतने पिंजरे हैं कि जो स्टीरियोटाइप इस्लाम है वो इस्लाम है ही नहीं जो अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के दिन था, वो इस्लाम है ही नहीं जो कुरान पेश करता था, ना इससे कोई मुसलमान ऐसा निकलेगा जो कि एक मुसलमान एक आइडियल मुसलमान होगा। इस इस्लाम को, इस हकीकी रियल इस्लाम को अगर बाहर लाना है तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इज्तिहाद की तारीख़ पढ़नी पड़ेगी। मैं बात मुख्तसर करना चाहता हूँ, अगर आप उन वाक़यात पर गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गुजरने के बाद अभी 5-10 साल भी नहीं गुजरे, चोर के हाथ काटने का आपने सज़ा को मौकूफ़ कर दिया, आपने मुता और हलाला के कमिट करने वाले लोगों के लिए सज़ा मुकर्रर कर दी, आपने क़ुरान हदीसें जमा करने का काम किया, फिर उसके बाद खुद ही जला दी कि कहीं ऐसा ना हो कि गैर कुरान कुरान से मिलकर दूसरी कौमों में जान जा कुरान फैल रहा है, कहीं ये मुशक्कल ना हो जाए, कहीं ये जम ना हो जाए। क्योंकि इससे पहले की भी कौमों ने यही किया कि अपने नबियों के कलाम को और फ़िक़ा को, दूसरी चीज़ों को जब अल्लाह के कलाम के साथ मिला दिया तो फिर वो सारी की सारी शरीयतें मनसूख हो गईं। हज़रत उमर ने उसको तल्फ कर दिया। और ऐसे कई फ़ैसले हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हज़रत उमर का जो उसूल था, जो इज्तिहाद था, जो उनकी सुन्नत थी इज्तिहाद की, उस सुन्नत की आज ज़रूरत है। आप जहाँ बात नस कुरानी यानी कुरान के हुक्म की आती थी, वाज़ेह अल्फाज़ में कुरान का हुक्म है तो उसके आगे कोई बहस नहीं, लेकिन जहाँ बात हदीस की आएगी, बात रिवायत की आएगी, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी ज़िंदगी जो गुजारे, एक एक लम्हा आपने अंदर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखा, वो जो सीखा वो खाली सुन्नत रसूल नहीं थी, उस सुन्नत के पीछे, उस हुक्म के पीछे वो क्या विजडम थी, वो क्या हिकमत थी, वो क्या मंशा या अल्टीमेट गोल था, उसको समझा। इसको कहते हैं तफक्कु फिद्दीन, कॉमन सेंस। फ़िक़ा के मायने कॉमन सेंस के है। आज हमने जो लिखा हुआ है लकीर के फ़कीरों की तरह, बस उसी को फॉलो करना है जो 400 साल पहले, 1000 साल पहले फ़लाँ आलिम ने लिखा, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने लिख कर गया था, तो हमने अपने पूरे दीन को उन्हीं के ऊपर लॉक कर दिया है, बस वही दीन समझते हैं। ऐसा नहीं, हज़रत उमर की सुन्नत हमको ये बताती है कि वक्त बदलने के साथ, हालात बदलने के साथ, मुकाम बदलने के साथ शरीयत का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। अगर कुरान में वाज़े हुकुम है तो एज़ इट इज़ नाफिज़ होगा, वरना उन हालात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके पीछे मकसद क्या था, वो मकसद अप्लाई होगा। इस तरीके से ही ये आज जितने इस्लाम में बिल्लियां हैं, हम इनको आज़ाद कर सकते हैं, इस्लाम को इन बिल्लियों से आज़ाद कर सकते हैं, इन बिल्लियों को ऐसे स्टीरियोटाइप से आज़ाद करते हैं। इनमें सबसे पहली आप बिल्ली कह लें वो ये है दोस्तों, ये जो हदीस है قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہاں پر ہم نے بہت بڑی
इंटेंशनल गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पता नहीं क्यों चला रहा है सदियों से। हमने इतना जोर इस हदीस पे दिया है कि बाकी तमाम अहदीस की अहमियत ऑलमोस्ट सेकेंडरी हो गई है। नमाज रोज़ा ज़कात हज, नमाज रोज़ा ज़कात हज, यही पूरा इस्लाम बन गया। किसी भी किताब को उठाइए, उसमें बस शुरू होती है, वो सबसे पहले तहारत भी ऐड हो जाती है, जिस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले तहारत, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। इसके नतीजे में क्या हुआ कि असल जो दीन था, क्योंकि ये पाँच सुतून हैं, सुतून करोड़ों कायम करते जा रहे हैं। पूरे सोमालिया में जाइए, अफ्रीका में जाइए, सऊदी में जाइए, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हर घर में सुतून खड़े हुए हैं। छत का नामो निशान नहीं है, दीवारों का नामो निशान नहीं है। ये बात समझने की है कि ये जो हदीस है जिसको मुकम्मल इस्लाम बना दिया गया है, ये हदीस उन सैकड़ों हदीसों में से एक है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी दीन के अहम हुक्म को उसकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए तमसील के ज़रिए, मिसाल के ज़रिए, तशबीहात के ज़रिए ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मिसाल के तौर पर यतीम, आपने दोनों उंगलियां मिला के बताई कि यतीम, किसी यतीम की परवरिश करने वाला क़यामत में, क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे दो उंगलियां। कहा हया मिनल ईमान, हया ईमान है। कहा निकाह, आधा ईमान है। अत्तहूर शज़ुल ईमान। कहा एक बार वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। सहाबा परेशान, कौन या रसूलुल्लाह, के कौन है जो खुदा की कसम ईमान नहीं लाया, कौन है वो? कहा कि जिसकी वजह से पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। ये अंदाज कुरान के, यूं समझिए कि अखलाक हसना या वो चीज़ें जिससे दीन कायम होता है, उनको वाज़े करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दी हैं। वैसे बुनियाल इस्लाम, बुनिया निकला है बना से, बुनिया फेले मजहूल है कि बना किया, बनाया गया है, तामीर किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है इस्लाम इन पाँच चीज़ों के ऊपर। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली इन्हीं को इस्लाम बना के रख दिया, और इससे ज़्यादा अहम हुक्म खुद अहादीस में मौजूद है, उसकी कभी उस जोश से बयान नहीं किया। मिसाल के तौर पर कलमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला जन्ना, जिसने कलमा पढ़ा, जिसने ला इलाहा कहा, वो जन्नत में दाखिल हो गया। ये खुशखबरी है। लेकिन दूसरी तरफ फौरी आता है कि ला ईमान लहू लिमन ला अहदा लहू, उसका ईमान ही नहीं जिसने अहद को तोड़ा। देखिए दो बातें अलग हैं। वैसे नमाज, नमाज के ताल्लुक से तो सैकड़ों किताबें हैं, इतना कहना काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज काफिर और मुसलमान के दरमियान हद फासिल है। लेकिन दूसरी तरफ कहा कि पांच चीज़ों का हिसाब दिए बगैर कयामत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारे पीछे नमाजों के पहाड़ होंगे, रोज़ों के पहाड़ होंगे, ज़कात और हज के पहाड़ होंगे, उम्रे कर रहे होंगे ज़िंदगी भर, वो तमाम चीज़ें बाद में सेकेंडरी। पहले वक्त कहाँ सर्फ किया, जवानी की सलाहियतें, एनर्जीज जवानी की कहाँ लगाई, माल आया कहाँ से, माल खर्च कहाँ किया, इल्म को फैलाया नहीं फैलाया, इल्म पे अमल कितना किया। आपने देखा कि रुकन इस्लाम के अरकान में नमाज है, लेकिन ये नमाज कंडीशनल टू दीज थिंग्स है, नमाज सेकेंडरी हो गई, हदीस पहले हो गई। वैसे ही ज़कात ले लीजिए, वैसे रोज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े की जज़ा अल्लाह खुद है, अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को तुम्हारे भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्ट है रोज़ा, तो कौन सी चीज़ें रोज़े को रिजेक्ट कर रही हैं, वो अहम हैं। अगर वो हैं तो रुकन अरकान इस्लाम का ये रुकन बाकी है, नहीं तो नहीं। वैसे हज, अगर कमाई हराम की हो तो उसका हज उसके मुंह पे मार दिया जाता है। हज तो क्या सारी दुआएं, यहाँ तक आया है कि जिसके निवाले में एक दाना भी हराम का हो, जिसके कपड़े में एक धागा हराम का हो, उसकी दुआओं को ज़मीन से एक फीट ऊपर नहीं उठाया जाता। तो मेरे दोस्तों, ये जो चीज़ें थी जिसे दीन कायम होता है, जिसे पहचाना जाता है ये मुसलमान है, ये मुसलमान का वे ऑफ लाइफ है, ये मुसलमान की तहजीब है, वो चीज़ों को तो बयान ही नहीं किया गया। बस नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के ऊपर किताबें, हज़ारों की किताबें, हज़ारों तकरीरें, हज़ारों वाइज। हाँ, ये चीज़ें बयान हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, बराबर बयान हुई हैं, लेकिन वो ज़ोर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। सिर्फ नमाजों पर ज़ोर है, सिर्फ रोज़ों पर? मेरे दोस्तों, ये जवाब दीजिए, क्या आप सऊदियों से ज़्यादा नमाज पढ़ सकते हैं? कितनी शदीद धूप हो, वो गाड़ी बाजू रख के जानमाज निकाल के गाड़ी में से नमाज पढ़ता है फिर चलता है, वैसी नमाज तो पढ़ ही नहीं सकते आप। ज़कात सऊदियों से ज़्यादा क्या देंगे आप, रोज़े सऊदियों से ज़्यादा क्या रखेंगे आप? लेकिन किसी भी सऊदी अरब से आने वाले लोगों से एक सर्वे करके पूछिए कि सऊदियों के अखलाक का क्या हाल है, किरदार का क्या हाल है, क्या उनके ऊपर बिजनेस में ट्रस्ट किया जा सकता है?
क्योंकि मैं रहा हूं कई साल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप आरएसएस बीजेपी के आदमी के ऊपर फिर भी ट्रस्ट करके बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, सऊदी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अरकान इस्लाम पे इतनी सख्ती से अमल करने के बावजूद वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से एक कौम पूरी की पूरी जो है, हाँ आप ये कहेंगे कि अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक रेशो होता है, 50-50 होता है, 60-40 होता है, लेकिन जहाँ रेशो 95:5 हो जाए तो आप ये अरकान इस्लाम की वजह से उनकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कहाँ आया, आप ये क्यों नहीं गौर करना चाहते। तो मेरे दोस्तों, मुख्तसर बात यह है कि अरकान इस्लाम पे इतना शदीद जोर देने की वजह से बाकी पूरा इस्लाम जो इन सुतूनों के ऊपर छत बन सकता था, दीवारें बन सकती थी, दरवाजे और खिड़कियां बनते थे, इसमें सारा जो बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंग होने चाहिए वो बन सकता था, वो पूरी की पूरी वो बिल्डिंग कभी बन नहीं सकी और आज सारे खाली सुतून खड़े हैं। मैं एक और एक मिसाल के जरिए वाजे करूँगा कि देखिए, हज साल में एक पूरी उम्र में एक बार, ज़कात रोज़ा साल में एक बार, नमाज दिन में 5 बार, सारी नमाजों का ड्यूरेशन 2 घंटे 2.5 घंटे बनता है, लेकिन असल इस्लाम ये जो 22 घंटे बच गए हैं 22 and 22.5 hours में, जो ख़दम एक एक मिनट में ख़तरा झूठ का है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। फिर गीबत, रिश्वत, कब्ज़े, अहद की पाबंदी नहीं करना वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो जिसकी वजह से असल इस्लाम की पहचान है, असल ईमान है, लेकिन जब यही चीज़ ना हो तो सबसे अहम तो चीज़ इसमें है अद्दीन मामला, जैसे कहा गया कि दीन मामले का नाम है, ह्यूमन राइट्स इज़ ए मामला, वीमेन राइट्स इज़ ए मामला, इंसाफ जस्टिस को कायम करना ये मामला, अगर मामला है। मैं इस मामले को समझाने के लिए एक मिसाल दूँ आपको कि आप एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दो लोग हैं आपके सामने, एक आदमी बहुत नमाजी है, रोज़ेदार है, लेकिन मामले में, डीलिंग के मामले में परफेक्ट नहीं है, दूसरा आदमी डीलिंग्स के मामले में बहुत स्ट्रेट, बहुत खरा है, नमाजों का पाबंद नहीं है, आप ईमानदारी से बोलिए। ये मत समझिए कि इल्ज़ाम लगा देते हैं लोग के, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि नमाजी जो है मामलेदार, मामला सही कर नहीं करने वाला होता, ये नहीं है दोस्तों, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर दो आदमी हैं तो आप ज़मीर से अपने पूछ के बोलिए कि आप उसको मुंतखब करेंगे जिसका मामला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या उसको मुंतखब करेंगे जिसकी नमाजें मुकम्मल हों, आप मामले को वो करेंगे। इसका नतीजा क्या निकला दोस्तों? इसका नतीजा ये निकला दोस्तों कि आज हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े दाढ़ियाँ वाले और टोपियाँ वालों वाले लोग कौन होते हैं, तो आपके जहन में फौरी आ जाएगा कि फलां जमात के लोग होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भाई पीली टोपी, हरी टोपी, काली टोपी, काले कपड़े पहनने वाले कौन हैं, तो आप कहेंगे कि भाई फलां फलां जमात की ये औसाफ हैं, फलां फलां जमात की ये खसूसियात हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुकम्मल सच बोलने वाले कौन हैं, क्या कोई जमात का नाम आएगा आपके जहन में? इंसाफ के लिए खड़े हो जाने वाले, सड़कों पर आके अपनी जान दे देने वाले लोग हैं, कौन? कोई भी नहीं। आपकी पहचान किरदार से रही नहीं बाकी, आपकी पहचान सिर्फ अरकान इस्लाम से बाकी रहेगी। अरकान इस्लाम भी नहीं, 90% कहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। तो अपनी पहचान, हमारी पहचान थी सच से, हमारी पहचान थी इंसाफ से। अनफॉर्चुनेटली हमने जो एक ही हदीस के ऊपर पूरा जोर दे दिया, बाकी पूरे इस्लाम को कम कर दिया। हर वाइज, हर मुकर्रर की तान टूटती है तो नमाज पे आके, रमज़ान आया तो रोज़े पे आके। हम जो असल बुनियादें थी इस्लाम की, छत थे, दीवारें थे, उनको तर किया, उसकी वजह से इस्लाम एक बिल्ली की तरह एक पिंजरे में बंद हो गया। फिर ये क्यों होता है? इसलिए होता है दोस्तों कि जहाँ तक झूठ के ताल्लुक से, गीबत के ताल्लुक से, बदहदी के ताल्लुक से ये मामलात हैं, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। कोई शिया ये नहीं कहेगा कि हमारे मज़हब में 5% झूठ की इजाज़त है, कोई दियोबंदी ये नहीं बताएंगे कि उनके पास 10% गीबत की इजाज़त है, कोई 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 नहीं, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना कोई नहीं, इख्तलाफ ही नहीं है उन मामले में। इसलिए उनको बयान करने में वो मज़ा भी नहीं आता, वो जोश भी पैदा नहीं होता, वो किताबें लिखे तो बिकते भी नहीं। लेकिन जहाँ तक नमाज या रोज़ा या ज़कात है, इसमें इख्तलाफी मसाइल बहुत हैं। नमाज के लिए हाथ यहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है, इसके ऊपर जोशीली तकरीरें हो सकती हैं। तशहुद में उंगली एक बार उठाना है या बार बार उठाना है, इसके ऊपर किताबें लिखने से फ़ायदा होता है। पब्लिसिटी होती है, इनकी मस्जिदें अलग, इनकी मस्जिदें अलग, इनके आलिम अलग, इनके आलिम अलग, इनके इमाम अलग, उनके इमाम अलग, सबकी तनख्वाहें, फिर चंदे, आप देखते थे, ये पूरी कमर्शियल एक्टिविटी है अरकान के इस्लाम के पीछे। लेकिन जो असल जिससे दीन की तामीर होती है, वो बिल्कुल गोल इसलिए है कि उसमें कुछ मज़ा नहीं आता बोलने में। हमारे किसी आलिम की कोई ह्यूमन राइट्स पे किताब बताइए, कोई विमेन राइट्स पे किताब बताइए, झूठ के ऊपर कोई इतनी, या हलाल कमाई के ऊपर इतनी जोशीली तकरीरें, जितनी जोशीली तकरीरें
फजाइल मसाइले नमाज के ऊपर या मसाइले रोज़ा के ऊपर, मसाइले ज़कात के ऊपर, नहीं दोस्तों। नेक्स्ट जो ऑब्स्टेकल है वो ये है कि हमारे उलमा का मुकाम, ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है दोस्तों। जो अहादीस में या कुरान में उलमा का मर्तबा बयान किया गया है वो तो हमने पिछली मर्तबा भी बयान किया है कि उलमा मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वरसतुल अंबिया हैं, ये नबियों के वारिस हैं। इसलिए आज भी कई बेशुमार वीडियोस आती हैं, तकरीरें होती हैं उलमा के मुकाम के ऊपर। शिकायत यह है कि लोग उलमा की इज़्ज़त नहीं करते। ये एक बहुत अहम मसला है और हदीस भी है एक कि जिस सोसाइटी में तीन चीज़ें होंगी, उलमा की इज़्ज़त नहीं होगी, लोग आलीशान इमारतें बनाने लगेंगे और निकाह की बुनियाद दौलत बन जाएगी, वहाँ पर अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा जो खयानत करने वाले होंगे और जुल्म करने वाले होंगे। तो उलमा का बहुत बड़ा मुकाम है। तो फिर अब एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि फिर उलमा का डेफिनेशन क्या होगा। ये बहुत अहम सवाल है। अब हर मसलक का आदमी अपने आलिम को मासूम अनिल खता यानी तमाम गुनाहों से पाक समझता है, इसलिए वो ज़िद करता है कि आलिम है तो बात सुनूंगा, आलिम है तो बात नहीं सुनूंगा। और ये तरगीब भी दी जाती है कि जो आलिम है उसकी बात सुनो, जो आलिम नहीं है उसको बात करने का हक़ नहीं है। ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तौर पर लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आलिम है तो बात सुनना, नहीं तो नहीं सुनना। चलें ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा निसाब है, वो कौन सा सिलेबस है या वो कौन सा कोर्स है जिसकी वजह से आलिम को इतना मुकाम दे दिया गया है। कसौटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है? अगर क्राइटेरिया सनद है मदरसे की तो फिर आपके पास बेशुमार वो नाम हैं जिनके पास मदरसे की कोई सनद नहीं थी लेकिन उन्होंने उम्मत को जितना फ़ायदा पहुंचाया है वो बड़े से बड़े आलिम के फायदे जितना फ़ायदा पहुंच सकता है उसके बराबर हैं। अहमद दीदात, नोमान अली ख़ान, जाकिर नायक, मौलाना मौदूदी, डॉक्टर असरार अहमद, डॉक्टर जावेद गामदी, या फिर आज के दौर में देखेंगे तो डॉक्टर अब्दुल अजीज़, जिन्होंने अंडरस्टैंड कुरान के जो कुरान की अरबी को सिखाने का जो एक इंतहाई आसान मेथड बताया है, वो मदरसों के अंदर फालुन फालू फालू ये फाइलातुन ये क्या रहता है, ये पूरे गर्दाने पढ़ने वालों के काम को आसान कर दिया उन्होंने। ये लोग कोई भी आलिम नहीं थे। फिर आप क्या कहेंगे, कसौटी क्या है? अब अगर आपके पास कसौटी सिर्फ निसाब मदरसे से निकलने वाले ही की है तो चलिए फिर एक अहम सवाल, वो निसाब में ये जो पढ़कर आते हैं वो कौन सी चीज़ है जो इनको सियासत में भी बोलने का मुकम्मल हक दे देती है और तन्हा इन्हीं को हक देती है कि आलिम की जो राय है वही मानी जाएगी। इन ये मईशत पे यानी कि इकोनॉमी पे भी यही बोल सकते हैं, सोसाइटी पे सोशल लाइफ के ऊपर भी यही बोल सकते हैं, हर चीज़ में अगर यही बोल सकते हैं तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि आखिर वो सिलेबस कौन सा है। चूँकि ये वरसतुल अंबिया हैं, नबियों के वारिस हैं, और जाहिर है कि ये विरासत कोई घर की विरासत नहीं है कि घर तकसीम होगा, या कोई ये दरगाहों की विरासत नहीं है, या औलिया अल्लाह की विरासत नहीं है कि सज्जादों के हिस्से के अंदर जो कलेक्शन आता है वो उसके कलेक्शन के क्या कहते हैं उसको गल्ले का तकसीम होगी। ये विरासत तो अंबिया की विरासत है, भूख की विरासत है, इफलास की, परेशानियों की, और उसमें सबसे पहला काम दावत, इसकी विरासत है। ये नबियों की जो विरासत है वो दावत है। दावत में घर 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 जाना, गली गली जाना, मार खाना, गाली खाना, लोगों कौम से मुस्तकिल ताने सुनना, कोई शराबी, कोई जानी, कोई सूतखार महल्ले में है तो जाके खटका मारना, वो नबी अंबिया घर के अंदर बैठकर या खानखाह के अंदर बैठकर या मस्जिद के अंदर बैठकर दुकान नहीं खोलते थे कि जिसको सीखना है, जिसको हिदायत चाहिए वो हमारे पास आओ। वो चल के जाते थे, कोई साथ नहीं भी होता तो बुरा नहीं मानते थे। ये है विरासत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मदरसों के निसाब में दावत और तबलीग का सब्जेक्ट ही गायब है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। इसकी वजह से जितनी दावत का काम हो रहा है, जितना गैर मुस्लिम में जाने का, ख़ासतौर पर यूरोप अमेरिका वगैरह में जाके देखेंगे आप, दूर दूर तक आलिम कोई नहीं है, यही ग्रेजुएट, यही पोस्ट ग्रेजुएट, यही मॉडर्न एजुकेशन के लोग जिसको उलमा बड़े हकारत की नज़र से देखते हैं, इनको गैर आलिम को तकरीर का हक़ नहीं है, गैर आलिम की बात सुनने का सुनने से मना किया जाता है, यही लोग काम कर रहे हैं सारे के सारे। दूसरा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, मदरसे के निसाब में आपको सुनकर दुख होगा, कुरान पूरे निसाब में 7-8 साल का जो भी निसाब है आप स्टैटिस्टिक्स निकालिए बैठ के, 10% कुरान है, वो भी तफसीर है, वर्ड टू वर्ड फहमे कुरान कहीं नहीं है, 50-60% फिका, बाकी मंतिक, फारसी जबान, खससुल अंबिया, सरफो न हो तो चलो ठीक है,
लेकिन सरफो न हो, ये जो अरबी ज़बान पे इतनी मेहनत दी जाती है, अरबी ज़बान की अहमियत सिर्फ इतनी है दोस्तों कि ये कुरान अरबी में नाजिल हुआ, अरबों के कहा गया कि क्या तुम इसको भी नहीं समझते, इसे ज़्यादा नहीं है, अरबी ज़बान ही में फजीलत है, अरबी ज़बान ही में ज़हानत है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अरब आज ज़हीन तरीन इंसान होते दुनिया के। चूँकि कुरान अरबों में अरबों को पहुँचा है अरबी ज़बान के ज़रिए, तो उनको ताना दिया गया कि क्या तुम लोग ये नहीं समझते अरबी कुरान अरबी लालकुम ताखिलून, ताकि तुम्हारे समझ में आए। लेकिन अगर तखसस जब करेगा, स्पेशलाइजेशन जब करेगा, जब आप उसको खूब फ़िका सिखाइए, खूब अरबी ज़बान सिखाइए, लेकिन हमारे उलमाए किराम हज़रत शाह वलीउल्लाह से लेकर जामे निज़ामिया के बानी हों या दारुल उलूम के बानी हों, इन लोगों ने इतने इल्म के ज़खीरे दे दिए हैं। अब आपको नए सिरे से अगर आपको फ़ौजी को तरबियत देना है तो उसको गोली चलाना कैसे वो सिखाइए आप, बजाय इसके कि बंदूक कहाँ से बनी है, कौन सा मेटल है, क्या इसका इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे, अब ये सब क्यों बताते बैठे हैं उसको आप, उसको गोली चलाना सिखाइए। आलिम वो निकले कि जिसको पॉलिटिक्स में महारत हो, इकोनॉमिक में महारत हो, कॉमर्स में, बैंकिंग में, लाइफ इंश्योरेंस में, हर चीज़ का नॉलेज हो उसको, और वो इस्लाम को इंटरप्रिट कर सके, बजाय उसके आप पढ़ा क्या रहे हैं उसको। अगर आप फ़िक़ा के बारे में बात कर, फ़िक़ा से पहले मैं कुरान की बात करूँगा कि कुरान के असल मकसद को, असल जो मकसद है दावत का या इस्लाम का, वो कुरान गोल है। इसमें आप देखते हैं कि आदमी मुतमईन है, नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कुरान ही नहीं पढ़, समझ में नहीं आ रहा कुरान, और वो मुतमईन है। हिफ्ज फॉर एग्ज़ाम्पल, हाफिज ही एक ऐसा सोर्स या एक ऐसा मीडियम है जिसकी जिसकी वजह से कुरान फैल सकता है लोगों को। हमने क्या किया, अरबों के हिफ्ज का तरीक़ा ला के यहाँ पर हमने लगा दिया, नाफिज कर दिया। अरब बच्चा माँ की गोद से अरबी ज़बान समझता है, उसको मालूम है कुरान क्या है, वो अरब वो तरावी में पढ़ो या आम औकात में पढ़िए, वो कुरान के एक लफ्ज़ को समझ के पढ़ता है। लेकिन हमारा बच्चा जब हिफ्स करता है और वो पंडित अश्लोक पढ़े वैसा ये कुरान पढ़ते चले जाता है, ना तो हमारा बच्चा समझता है, ना तो सुनने वाले समझते हैं। लेकिन सुनने वाले खुश हैं कि 20 रकात पूरे हो गए, कुरान पूरी हो गई, सही शबी शबी ना पूरा हो गया, और ये भी खूब खुश है कि चलो इतने हज़ारों रुपये आ गए, लेकिन इस कुरान से फ़ायदा क्या हुआ, किसको फ़ायदा हुआ। आपको कुरान हिफ्ज कराना है तो अरबों के उस तरीके को फिट करने के बजाय उनका मकसद क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है वो समझेंगे। तो जैसे कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम कुरान वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसा हिफ्ज करेगा तो अवाम तक एक एक लफ्ज़ पहुँचा सकेगा ये, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, इसमें 10 साल लग सकते हैं, लगने दीजिए, 5 साल में हिफ्ज कर लिया हमारे बच्चे ने, 8 साल में हिफ्ज कर लिया, ये कोई एजाज़ की बात है। अगर वो गूंगे और भैरों की तरह हिफ्ज कर लिया है तो फ़ायदा क्या हुआ, किसको फ़ायदा हुआ। ये बहुत बड़ा, ये एक एक बिल्ली है हमने बांध दिए कि हाफिज़ के साथ और नस्लों को माफ़ कर दिया जाएगा। भाई ठीक है, मगफरत का शिफात का मामला अल्लाह के हाथ में है, हम वो बात नहीं कर रहे। इस दुनिया में कुरान के इनकलाब का जब बात करते हैं आप, तो मदरसे के निसाब में कुरान फहमे कुरान ही नहीं है। कुरान 21वीं सदी में, 2020 या 2021 के अंदर आज के हालात में क्या करना है, वो कुरान अगर फहमे कुरान वर्ड टू वर्ड कुरान को पढ़ाया गया तो आदमी समझ सकता है, वरना फिर वो गूंगा बहरा है दोस्तों। फ़िक़ह जो आज 50-60% मदरसों के ऊपर छाई हुई है, कहीं दर्स निज़ामी के नाम से है, कहीं और दर्स के नाम से है, ये डिफरेंट कोर्सेस या करिकुलम जो होते हैं, फ़िक़ा के जुमला आयतें कुरान में तलाश करें तो 500 से ज़्यादा नहीं है। ये कहा जाता है कि फ़िक़ा से दानिश और इंटेलेक्चुअलिटी आती है, फ़िक़ा कुरान ही को प्रेजेंट करती है, नहीं ये बात नहीं है दोस्तों। फ़िक़ा कुरान में फ़िक़ा है, लेकिन फ़िक़ा में कुरान नहीं है। आप 500 आयतें वाली मज़मून को ले लेकर पूरी कुरान को पीछे हटा देके आप वो फ़िक़ा को साबित कर रहे हैं और कुरान से साबित कर रहे हैं उसको। फ़िक़ा में इस्लाम नहीं है दोस्तों, इस्लाम में फ़िक़ा है, इसको इस हद तक रखने की ज़रूरत है। और फिर एक बात याद रखिए आप कि फ़िक़ा का पूरा मज़मून कसरत सवाल पर मबनी है, अगर मगर अगर मगर अगर मगर, और जबकि कुरान कसरत सवाल से मना करता है। सूरह मायदा 101 पढ़िए आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू, ऐसी सवालात मत करो, इन तुब्दा लकुम तसुउकुम, ये बड़ी आयत है। मुख्तसर तौर पर यह है कि ऐसे सवालात मत करो जिसकी वजह से तुमको खुद तकलीफ पहुँचो। हाँ, कुरान जिस वक्त नाजिल हो रहा हो उस वक्त पूछ लो तो कोई बात नहीं, अब तक जो पूछ लिया माफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम, क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से वही सवालात करो जो तुमसे पहली उम्मतों ने अपने रसूल से सवाल किए। दोस्तों ये बहुत अहम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वार्निंग दी है, सवालात मत करो, और फ़िक़ा का मज़मून पूरा अगर मगर के सवालात से भरा हुआ है।
और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला, जैसे एक हदीस है कि तवील हदीस है कि फ़र्ज़ अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं इनको तर्क मत करो, हराम अल्लाह ने हराम किए हैं इनका इर्तिकाब मत करो, और हद दिल का हुआ हद हदूदन फलाता तो दुआ, हद भी अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं इनको फलांगने की कोशिश मत करो। उसके बाद फरमाया कि वह सकता अन अशियाइन मिन गैर निसियान, कई चीज़ों के ताल्लुक से अल्लाह ने खामोशी अख्तियार कर ली है, उनके ताल्लुक से बहस मत करो। सूरह मायदा की 101 आयत के तर्जमे और तफसीर के अंदर अल्लामा इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं अल-क़वाइदुल-फ़िक़्ह के अंदर कि अल्लाह ताला ने सवालात करने से मना इसलिए किया है कि वो एक और हदीस है कि सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसके पूछने से पहले कोई चीज़ हराम नहीं थी, उसके पूछने के बाद हराम हो गई। और फ़िक़्ह कुरान जो है फ़िक़्ह की जड़ काटती है, लैसल बिर्रा तुवल्लू वुजूहकुम, पूरी आयत पढ़िए आप कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने सरों को मशरक की तरफ झुकाओ या मगरिब की तरफ झुकाओ, नेकी ये है कि तुम अपना ईमान लाओ, अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करो और नमाज कायम करो और ज़कात दो और उसके बाद जो वादा करो उसको पूरा करो, अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफ़ें आई उसको बर्दाश्त करो, नेकी ये है। और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं, किसी गज़वे से तशरीफ़ लाए वापस आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि वहाँ इतनी सर्दी थी कि पानी का अगर ख़तरा भी गिरे तो लगता था जिस्म कट जाएगा, लेकिन मैं हाँ रात में मुझे नहाने की हाजत हो गई लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी पानी को टच करने की, मैं तैमम करके नमाज को चला गया। वहाँ गया तो लोगों ने मुझे इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया और मैंने इमामत कर ली। अब फुखा हजरात से पूछिए क्या जवाब है इसका। इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, ये फ़िक़्ह की जड़ काटी गई है। किसी ग्रुप को भेजा कि यह ख़त फलां जगह असर की नमाज़ से पहले पहुंचाओ, रास्ते में असर की नमाज़ हो गई, किसने कहा कि पहले नमाज़ पढ़ेंगे, किसी ने कहा नहीं पहले ख़त पहुंचाएंगे, बाद में आकर जब दोनों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों ने बिल्कुल सही किया। ज़िना का मामला ले लीजिए, कोई आके कहते हैं कि या रसूल मुझे ज़िना हो गया मुझे सज़ा दीजिए, आप इधर मुँह पलटा लेते हैं, फिर वो इधर आकर कहते हैं आप इधर मुँह पलटा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुँह पलटाना क्या है कि इंसानी जान की अजमत है, सवालात मत करो, जाओ यहाँ से निकल जाओ तुम लोग। लेकिन हमारे पास सवालात, इस पूरे सवालात अगर यूँ, अगर गुलाम और लौंडी, बाप और बेटे ने मिलकर लौंडी खरीदी, लौंडी प्रेग्नेंट हो गई तो कैसे होगा, क्या क्या होगा, अगर ये हो तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, गुस्ल गुस्ल के मसाइल, जैसे अल्लाह ताला भूल गया था कि ये बयान करना, चले हम बयान करते हैं। तैमुम कुत्ते की पीठ के ऊपर तैमुम हो सकता है, अगर लोट के कोई शख्स लोट है तो तैमुम हुआ नहीं, हाँ होगा या नहीं होगा। खुला खुला के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस या सबसे बड़ी खामी जो हमारे मदरसों के निसाब के अंदर है वो ये है कि तलाक़ और खुला के वर्सेस निकाह के अंदर तलाक़ के अहकाम के ऊपर हज़ारों किताबें, सैकड़ों किताबें, सफ़ात के सफ़ात पढ़ाए जाते हैं। कहाँ से लाए गई है? सहाबा के तलाक़ के वाक़यात को, खुला के वाक़यात को जमा करके कानून बना दिया आपने। लेकिन तलाक़ और खुला तो 1% 2% भी नहीं है सोसाइटी में, निकाह देखें तो 100% है। सहाबा के निकाह के वाक़यात को ला के, अल्लाह के नबी के सहाबा के निकाहों को ला के, या फिर हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद अपने निकाहों को लेकर या उनकी साहबजादियों को निकाह के लेकर कानून क्यों नहीं बनाया? ये वो वजह है कि निसाब से कुरान की तालीम को हटाकर ये जो चीज़ें भर दी गई हैं, इसकी वजह से जो उलमा निकल रहे हैं ना वो पॉलिटिक्स में फ़िट हैं, ना वो इकनॉमी में फ़िट हैं, ना वो असर हाजिर के उमूर में फ़िट हैं, इसकी वजह से अगर उनकी इज्जत नहीं होती है तो वो कहते हैं कि ये इतनी मामूली तनख्वाहों के ऊपर ये पूरी ज़िंदगियाँ अपने लगा दे रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वहाँ नहीं भी करेंगे तो फिर काम क्या कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन से दूर, मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी जो नस्ल है इनके सामने, ये खुतबा देने खड़े होते हैं, मस्जिदें बिल्कुल खाली हैं आजकल। जुमे की नमाज में जाइए, खुतबा शुरू होता है, बेचारे उलमा रात भर मेहनत करते हैं, आके सुनाते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि ज़बान चेंज हो गई है। आपका निसाब, ये निसाब तो हर दौर में, हर डिकेड में चेंज होने वाली चीज़ है ये, लेकिन ये निसाब सदियों से चला आ रहा है। तो अब नई जनरेशन बिल्कुल सुनना नहीं चाहती। मुख्तसर दोस्तों, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, आज जिस निसाब की ज़रूरत थी वो निसाब नहीं है। निसाब वो होना जो इन्नी जाअलुका लिन्नासि इमामा, हम उम्मत इब्राहिमी है, हमारा मनसब है इस दुनिया की इमामत लीड करना,
इस दुनिया को लीड करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो पढ़ाने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें छोड़ दे के बाकी सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिसका बोझ लेके बेचारे मासूम तलबा जो मदरसे से जब निकलते हैं उनके दिमागों में बिठाया जाता है कि ये नबियों के वारिस हैं, क़यादत के हकदार हैं, वो बेचारे परेशान ना, उनके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो मौजूदा दुनिया की आँखों में आँखें डालकर वो लीड करने का या क़यादत का दावा कर सके, उनको कुछ भी नहीं दे रहे। फिर वला तफरक वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ की तफसीर पूरी पढ़िए आप अपना मुकदमा आपस में सुलझाएं, मिलके बैठ के अवाम के सामने लाके आप मुकदमा पेश कर रहे हैं कि बरेलवी सही है, देवबंदी सही है, अहले हदीस सही है, शिया सही है, सुन्नी, अवाम तो मासूम होते हैं, उनको क्या पता, बल्कि इन्हीं फिरकों की वजह से, इन्हीं मसलकों की वजह से लोग सारे के सारे दीन से दूर हो रहे हैं। और दोस्तों इस निसाब में आज के दौर में अगर 85 करोड़ गैर मुस्लिमों की क्या बात कर रहे हैं, अब इस वक्त जिस तेज़ी से असिमिलेशन हो रहा है, जिस तेज़ी से फेमिनिज़म बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से एथीज़म बढ़ रहा है, मुसलमान आबादियों की 90% आबादी ऐसी है जो इस्लाम से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। आपके निसाब में इन लोगों तक, हिंदू हो, यहूदी हो, खुद हमारी मुसलमान नस्लें हों, इन तक पहुँच कर इस्लाम को पेश करने का जो मेजर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर नहीं है, सिर्फ फ़िक़ही मसाइल है, तो ये दीन नहीं चलने वाला है दोस्तों। ये चंद बातें थी, हमको सी बियॉन्ड द 5 पिलर्स, हमने सिर्फ बुनियल इस्लाम के 5 अरकान को असल इस्लाम बना दिया, बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी बना के रख दिया। अब नए निसाब की ज़रूरत है तो ही ये इस्लाम उरूज की तरफ दोबारा आ सकता है, वरना अल्लाह ताला मुख्तलिफ कौमों से काम लेता है, कभी उन्हें तुर्कों को पैदा किया, कभी मंगोलों को पैदा कर दिया इस्लाम की हिफाजत करने के लिए, हो सकता है कल ये सारे के सारे जिनको आप हरिजन कहते हैं, जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, आज जो ब्राह्मण सदियों के बाद आया है पावर में, कल ये दूसरे भी पावर में आ सकते हैं। हम नहीं आएंगे कभी, अगर हम आएंगे सही किताबुल्लाह और सही किताबुस्सुन्नाह, ये मसलकों को दफन करके, जब तक हम सही किताबुल्लाह किताबुस्सुन्नाह को नहीं निकालेंगे। और उसकी एक ही निशानी है के वली कुल्लियों विजहतुन हुआ मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, हर कौम के हर ग्रोह के लिए एक ना एक डायरेक्शन है, इसमें कोई बुराई नहीं है आप किसी ग्रोह से किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपकी हकानियत आपके सही होने का सबूत एक ही है, वो क्या है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ लगाओ, रेस करो, मुकाबला करो। अगर आप एक दूसरे को काफिर मुशरिक, आप एक दूसरे को जाहिल और एक दूसरे को मुर्तिद या एक दूसरे की हदीसों को ज़ईफ़ और कमज़ोर बयान करते रहेंगे, तो आप वो 73वां फ़िरका हरगिज़ नहीं हो सकते। वो 73वां फ़िरका कामयाब होगा, वो वही होगा जो जिस मसलक का भी है उसके दिल में यह हो कि ऐ अल्लाह मैं इसको सही समझता हूँ, ऐ अल्लाह तू अगर मैं गलत हूं तो तू मुझे माफ़ कर दे, मैं सिर्फ तेरी खुशी के लिए कर रहा हूं, और किसी के लिए खिलाफ ज़बान मत चलाइए, किसी के कुफ्र के फतवे मत दीजिए, तो ही हम कामयाब होंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।